भगवान ने बगीचू चपल के दहिला कन्हैया ने जैसे ही लात रखी खड़ा हो गया भगवान कन्हैया के तन में चिपट गया। तो भगवान कन्हैया ने अपना आकार बढ़ाया और जैसे ही अपना आकार बढ़ाया फिर भी नहीं छुटा कालिया नाग। जब आकार बढ़ाने से भी नहीं छुटा तब भगवान कन्हैया ने अपनी माया दर्शाई। हुआ क्या अपनी अंदर अग्नि और जैसे ही अग्नि प्रकट की है तो गजब ही हो गया। जैसे ही कालिया नागनाथ आगे से छलांग ली फन के ऊपर खड़े हो गए मनमोहन। याद रखना मेरे भगवत श्रोता। अरे कन्हैया ने कालिया नागनाथ पट नागिनी आए गए। महाराज प्रभु हमने तो आपकी माया को समझ नहीं सके, तुम तो भगवान हो मुझे माफ कर दो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, हमसे भूल हो गई है, आपसे इतने हम शब्द हमने बोले हैं। भगवान बोले क्यों, तू तो कह रही थी कहू मैया की गोदी काली कर देगा, तू घर लौट जा, तो उसे कई जगाए दे, तेने नहीं सुनी तो हम ही आए गए, हम ही जगाए दो। जवाब दिया अब हम तब छोड़ेंगे, हमारी गेंद आई है, गेंद दे दे और दो छपरियां कमल के पुष्प दे दे। नागनिया पट गई भजके गई, दो एक छपरियां कमल के पुष्प लाए आई, जो गेंद आई थी वो गेंद ढूंढ के लेके आई श्याम सुंदर को दी। जवाब दिया अब हमारे पिया को छोड़ दो, अब नहीं छोड़े क्यों कि हमें ऊपर लेकर चलो। कालिया नाग कहने लगा प्रभु अगर हम ऊपर लेके कर तुम्हें चले तो हमारा गरुड़ अंत कर देगा,
मुझे मार देगा। भगवान बोले हमारे पद चिन्ह तेरे मस्तिष्क से लग चुके हैं, अब गरुड़ तुझसे बोलेगा तक नहीं। ये गरुड़ के भय से ही मेरे भगवत श्रोताओ ये कालिया नाग काली देह में छिप गया करके। आज मेरे भगवत श्रोताओ हुआ क्या, भगवान कन्हैया को आता हुआ जैसे ही देखा।